सत्य जुगे झूठो नहीं बातों सत्य जुगे झूठो नहीं बातों। नमस्ते दोस्तों, मैं मानसिनी की आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरे भारत वर्ष में महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति पूर्वक मनाया जाता है। हम सभी की भक्ति और आस्था के अनुसार जब ब्रह्मांड के घोर अंधकार में परमपिता परमेश्वर प्रकाश के रूप में अस्तित्व में आए तो उसी पल को हम शिवरात्रि कहते हैं, और साल में एक बार हम इसी पल को याद करते हुए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे किन्नौर में ये भी आस्था है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता आदिशक्ति का विवाह हुआ था। कारण कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन हमारी पूरी आस्था है परमपिता परमेश्वर पर। तो मैं महाशिवरात्रि मनाने के लिए आई हूँ अपने मायके, क्योंकि लोअर किन्नौर में ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, अपर किन्नौर में नहीं मनाया जाता। और जिस तरह से अपर किन्नौर में लोसर मनाया जाता है और लोअर किन्नौर में नहीं मनाया जाता, और आपको अच्छे से पता है कि मेरा मायके है लोअर किन्नौर में और ससुराल है अपर किन्नौर में। तो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ हम सभी ने शिवरात्रि कैसे मनाया। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमारे घरों में पूजा पाठ हेतु मंडल बनाया जाता है। मंडल कहे तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर। इसे मैदे से बने पापड़, जिसे हम शकुली कहते हैं, उसे बाहरी ओर से सजाया जाता है, फिर बीच में फलों से सजाया जाता है, और फिर हरे पत्तों से भगवान शिव का प्रतीक बनाया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको मंडल डिस्क्राइब किया, बहुत ही सरल लग रहा है, परंतु दोस्तों, इस मंडल यानी इस स्ट्रक्चर का बहुत ही गहरा अर्थ है। आप भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के हर कार्य में कोई ना कोई अर्थ छुपे होते थे। इसी प्रकार मंडल का निर्माण करते समय बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे मैदे से बने पापड़ यानी शकुली इस मंडल के बाहरी ओर से सजाया गया है। ये प्रतीक है विशाल हिमालय पर्वतों का, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर मंडल के बीच में ड्राई फ्रूट व अन्य फलों से सजाया गया है। ये प्रतीक है हमारे धरती पर समस्त पेड़ व पौधे, जिससे हमारी सांसें चलती है, कहे तो जीवन चलता है। फिर बीच में आप देखेंगे आटे से बने भेड़ बकरियां रखे गए हैं। ये प्रतीक है धरती पर हम सभी जीव जंतु पशु पक्षी, जिनमें परमात्मा ने जीवन डाला है। आप ये भी देखेंगे मंडल के बीच में चावल व माश का ढेर है, जिसके बीच में घी का डेला रखा गया है। ये प्रतीक है धरती पर समस्त अनाज यानी अन्न भोजन, जिसकी वजह से जीवन गतिमान है। आप यहाँ रुपए भी देख रहे हैं, ये ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक है। और अंत में दोस्तों, हरे भरे पत्तों से बनाया गया भगवान शिव का प्रतीक, जिसे मंडल के बीचों बीच छत से लटकाया जाता है। इसका अर्थ मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। हम सभी मानते हैं हरे पत्तों में जान होती है, इसलिए भगवान शिव के प्रतीक को इन हरे भरे पत्तों से बनाया जाता है। और एक बात, ये पत्ते साल के सबसे प्रथम उगने वाले पौधों के पत्ते होते हैं, इसलिए इन पत्तों से भगवान शिव का प्रतीक बनाकर उसे छत से मंडल के ओर बीचों बीच लटकाया जाता है।
इस प्रतीक को मंडल के बीचों बीच लटकाने का अर्थ है हमारे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड से हमारी धरती की ओर अपने चरणों का आशीर्वाद देकर इस पृथ्वी को चला रहे हैं, या कहे पृथ्वी में प्राण डाल रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं जो हम परमपिता परमात्मा को पूजते हैं और धन्यवाद करते हैं शिवरात्रि के दिन, और साथ ही साथ शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता आदि शक्ति को भी पूजा जाता है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। यहाँ आप देखेंगे मेरी छोटी मामी जी और मेरी प्यारी मासियाँ शोभा बढ़ाई के लिए सभी को माला पहनाएंगी।
शिवरात्रि के दिन रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है और बगैर इनविटेशन के भी लोग आते हैं श्रद्धा से भगवान के दर्शन करने के लिए और धूप बत्ती करने के लिए। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताना है दोस्तों आप लोगों को, शिवरात्रि के पहले दिन हमारे यहाँ कोई भी आम गीत नहीं गाया जाता, सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन गाए जाते हैं और सभी लोग भजन गाने में इतने रम जाते हैं कि सुदबुद्ध ही खो बैठते हैं। Yeah.
और
दोस्तों, अब तो मैं भी मेहमान ही हूँ मेरे घर में, तो मैं भी सभी के लिए माला लेकर आई हूँ। फूल माला पहनाने के बाद मैं भी चल पड़ी अपने रिश्तेदारों के घर मेरे भाई और भाभी के साथ। शिवरात्रि के दिन हम एक दूसरे के घर जाते हैं भगवान शिव को धूप बत्ती लगाने के लिए, जिस तरह अपर किन्नौर में जाते हैं लौसर के दिन। Yeah.
यो कोरी चाल्यो इता के मो तलांसा आइता गोरमेंट लुया इता क्यों तलंसा आइता गोरमेंटो मिया इता क्यों मनो तलंसा आइता गोरमेंटो मिया गोरमेंटो गाना गाओ सबसे लास्ट हम पहुंचे बड़े भैया के घर। यहाँ पूजा पाठ करके खाना वगैरह खा के जब हम वापस घर पहुंचे तो देखा भजन कीर्तन का माहौल अभी भी बना हुआ है। आइए आप सब भी हमारे साथ भजन कीर्तन के माहौल में रम जाइए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस व्लॉग को पूरा देखने के लिए।